नमस्कार, मैं हूं नवीन आनंद जोशी। आप देख रहे हैं न्यूज आज। दतिया में कोतवाली पुलिस की रेत का अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। पुलिस ने ग्वालियर दतिया नेशनल हाईवे पर अवैध रेत का उत्खनन करने वाले 7 ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त कर लिया। पुलिस के हत्थे चढ़े ड्राइवर आशाराम ने बताया कि भाषण से रेत भरकर बड़ोनी होते हुए रेत दतिया ले जाई जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि अवैध रूप से रेत उत्खनन कर ट्रैक्टर ट्राली से परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी के नेतृत्व में कोतवाली थाना प्रभारी अजय भार्गव ने टीम बनाकर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। कौन से थाने में? बड़ौनी थाने से चेकिंग नहीं की आपकी? पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध रेत उत्खनन के मामले में एक अभियान चल रहा है। इस अभियान के दौरान चेकिंग लगाई गई थी तो सपा पहाड़ के पास आज 7 ट्रैक्टर जब्त हुए हैं। अवैध ट्रैक्टर थे, रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं थी। 2 कल जब्त हुए थे, कुल अभी तक 9 ट्रैक्टर जब्त किए हैं रेत से भरे। किन के हैं ट्रैक्टर कुछ? ये अभी पूछताछ चल रही है किन के हैं। सभी का कोई गिरफ्तार है इसमें ट्रैक्टर में? नहीं, इसमें गिरफ्तारी नहीं होती। इसमें क्यों प्रकरण बना के माइनिंग या फॉरेस्ट को भेज दिया जाता है। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज आज।